मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ हिंदी के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका एक का भी आंसर देना आपके बस की बात नहीं होगी मेरे दोस्तों। तो यदि आपने अभी तक ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो आप जल्दी से एक बार इन प्रश्नों को आप देख लें दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको आज इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 प्रश्न बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं देखे होंगे दोस्तों, ना कभी सुने होंगे, और इसके सही आंसर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, 15 में से 15 यदि आप लिख कर रख लें, यदि आप 15 में से 15 लेकर आ जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। हिंदी में बिल्कुल आप 100% हिंदी में नंबर ला सकते हैं दोस्तों, यदि आप इनमें से 15 में से 15 दे देंगे। तो आ जाइए मेरे दोस्तों और आज मेरे साथ शुरू हो जाइए। तो जितने भी दोस्त लाइव आ गए हैं वे सभी जुड़ चुके हैं, तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए और उनसे बोल दीजिए कि 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं बताने वाला हूँ आज उनको, यदि वो 15 में से 15 ला देते हैं ना तो गारंटी दोस्तों, यदि 15 में से 15 सही कर देते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप इम्पॉसिबल है, इन 15 में से 15 का भी सही नहीं कर सकते, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण हैं ये प्रश्न। और ये जो मैं आज बताने वाला हूँ ये गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रश्न बैंक है उसमें उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने खुद बच्चों को ये 15 प्रश्न प्रोवाइड करवाए हैं सहायक वचन के। तो मैं देखता हूँ आज कितने बच्चे इसके सही आंसर करके 15 में से 15 सही करते हैं। तो जल्दी से अधिक संख्या में जुड़ जाइए सभी दोस्त और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। ठीक है, और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपके 10 नंबर भी नहीं आएंगे दोस्तों, कितने 10 नंबर भी नहीं आने वाले आज। ठीक है, तो जितने भी दोस्त हैं देख रहे हैं वे सभी क्या करेंगे, जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों को और उनको भी जोड़िए, क्या वो सही कर सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है मधु शब्द का अर्थ है, मधु शब्द का अर्थ है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए सही आंसर क्या होगा। देखूंगा मैं एक एक बच्चे का कि कौन क्या कमेंट करता है सबसे पहले, जिसके बाद में मैं सही आंसर बताऊंगा। तो मधु शब्द का अर्थ है, सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे। ऑप्शन आपको दिख रहा है सेद, सूरा, पुण्य रस, उपयुक्त सभी, तो आपका जो भी सही आंसर है उसको कमेंट कीजिए। हाँ, फिर सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, क्या आपने भी यही टिक किया है, शहद आएगा, क्या आएगा, शहद आएगा। यदि आपका सही है तो एक नंबर आप जोड़ लीजिए अपना। ठीक है, 15 बताऊंगा, 15 में से आपके कितने सही होते हैं आप मुझे लास्ट में बताना। ठीक है, आपके 10 भी सही नहीं निकलेंगे, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आम्रकूट शब्द का संबोधन है, आम्रकूट शब्द का संबोधन है, बताइए आम्रकूट शब्द का संबोधन है किसके लिए, मेघदूत के लिए, अमरकंटक से, एक एवं दोनों तुलसीदास से। तो आम्रकूट शब्द का संबोधन है, जल्दी से जितने भी दोस्त देख रहे हैं कमेंट करें सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों चैलेंज है आप सभी को, 15 में से आप 15 अगर लाकर बता देते हैं तो ठीक है, मुझे 15 लाकर दिखा देना इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, अमरकंटक से, किससे है, अमरकंटक से। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए और सही आंसर बताइए मुझे। लोक संस्कृति की स्मृति रेखा नर्मदा के लेखक है, मतलब ये लोक संस्कृति की स्मृति रेखा ये आपका पाठ है, लेकिन इस पाठ को लिखा किसने ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए और नोट कर लीजिए अपना तीसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों ठीक है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, क्या होगा, श्याम सुंदर दुबे। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जितने भी दोस्त देख रहे हैं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला वीडियो इसी प्रकार का अगला वीडियो जो आएगा उसको आप अच्छे से देख सकें। ठीक है, आपको समय पर वो वीडियो मिल सके। दोस्तों चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त और आंसर बताएंगे जल्दी से, देखिए और आंसर बताइए। हाँ दोस्तों, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, नर्मदा का जन्म हुआ, नर्मदा का जन्म हुआ, तो ये तो लगभग आप सभी दोस्त सही कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ, अमरकंटक से, कहाँ से हुआ, अमरकंटक से हुआ। चलिए दोस्तों अब प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, चौथा हो चुका है, पांचवा देखेंगे, ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। चलिए, नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा ऊपर माई मतलब कौन सी बगिया है, ठीक
ठीक है, नर्मदा के उत्स कुंड से थोड़ा ऊपर कौन सी बगिया है, तो यह भी आप बिल्कुल सही आंसर दे देंगे। ठीक है, तो क्या है जल्दी से आप कमेंट करो, सभी दोस्त कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माइकी बगिया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आगे आगे आपके कठिन प्रश्न आने वाले हैं, देखते हैं कौन कौन सही आंसर इसका देगा। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है आपका, कपिल मुनि ने कहाँ पर तपस्या की थी। तो कपिल मुनि ने कहाँ पर तपस्या की थी, ये आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, जल्दी से टिक कर लें, तो कपिल मुनि ने कहाँ पर तपस्या की थी, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये तपस्या की थी उन्होंने कपिलधारा में, कहाँ पर की थी, कपिलधारा में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई की बगिया में फूल खिलते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी दोस्त कि माई की बगिया में फूल खिलते हैं, जल्दी से कमेंट करो। तो मैं सही आंसर बताने वाला हूँ अब दोस्तों, बुलक कावली के। किसके? बुलक कावली के आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आपने भी यही लिखा है, क्या आपने यही नोट किया था, जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अमरकंटक में केंद्रीय सत्ता है, चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे सभी दोस्त, कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, फिर मैं सही आंसर बताने वाला हूँ और लास्ट में आप स्कोर बताएंगे। तो यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी दोस्त लाइक कर दें, और इसी प्रकार का अगला वीडियो भी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लो। तो अमरकंटक में केंद्रीय सत्ता है किसकी, नर्मदा नदी की। किसकी? नर्मदा नदी की, आपका सही हो जाएगा। तो जितने दोस्त अब जो बाद में जुड़े हैं वो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें एक बार। चलिए अगला प्रश्न, शंकर के श्रम शिखरों से जन्म हुआ। तो देखिए, शंकर के श्रम शिखरों से जन्म हुआ, बताइए कि शंकर के श्रम शिखरों से किसका जन्म हुआ, नर्मदा नदी का, गंगा नदी का, यमुना नदी का, सोन नदी का। सभी दोस्त कमेंट करेंगे, जितने भी देख रहे हैं वो सभी कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा। जरूर था आप गलत बताओगे, देखना मुझे पता है। लास्ट में ईमानदारी से बताना आपके कितने नंबर आए। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा नदी। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों ने गंगा लगा दिया होगा, क्या लगा दिया होगा, गंगा। तो किस किस ने नर्मदा लगाया कमेंट करके बताओ। चलिए अगला, कुएं पर पनहारिन गीत गा रही थी। कुएं पर पनहारिन गीत गा रही थी, तो कुएं पर पनहारिन गीत गा रही थी किसके, गंगा माई के, नर्मदा माई के, यमुना माई के, सरस्वती माई के। तो कुएं पर जो पनहारिन हैं, जल्दी से कमेंट कर दो आपका आंसर सही क्या है, और नोट कर लें कि आपके कितने सही हो गए कितने गलत हो गए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नर्मदा माई के। ठीक है, अगला देखिए, महादेव शंकर आर्य और अनार्य दोनों के हैं। तो महादेव शंकर आर्य एवं अनार्य दोनों के हैं, क्या है, देव है, प्रतीक है, मित्र है, परम आराध्य है, क्या है, जल्दी से कमेंट कर दो और आप नोट कर लें आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, फिर सही आंसर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, आज आपके 15 में से 15 गारंटी, यदि 10 भी आ जाएँ तो 15 में से 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूँ, 15 में से आपके 10 भी नहीं आने वाले, टेंशन न लें आप। ठीक है, क्योंकि आपने अगर तैयारी अच्छी है तो फिर तो आ जाएगा, अगर आपने तैयारी बेस्ट कर रखी है दोस्तों तो 15 में से 15 आप ला सकते हैं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों परम आराध्य, क्या होगा, परम आराध्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आना है के पूरे पूरे चांस से। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, पेंडर रोड से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा से करना थी। ठीक है, क्या थी, पेंडर रोड से लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, कैसे करनी थी, रेल मार्ग से, बस मार्ग से, हवाई मार्ग से, पैदल मार्ग से, खालिस्तान में क्या बराएगा, जल्दी से कमेंट कर दो और आप नोट कर लो। बिल्कुल दोस्तों, आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बस मार्ग से। बिल्कुल आज के वीडियो में दम है मेरे दोस्तों, क्या है, दम है। देखिए 13वां प्रश्न, कपिलधारा के नामकरणों के पीछे का रूपक है। कपिलधारा के नामकरणों के पीछे का ही रूपक है, मानव का, गाय का, पशु का, पक्षियों का। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट करेंगे, मेरे सभी दोस्त कमेंट करेंगे। और आज का वीडियो पसंद आ रहा हो ना, और आज के वीडियो में थोड़ी भी दम दिख रही हो तो आप लाइक जरूर कर देना। क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना।
ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके उनके भी मज़े ले लो तुम, कि दम है तो इन 15 में से 15 ला कर दिखा दे। तू ज़्यादा समझदार बन रहा है ना, ज़्यादा पढ़ रहा है ना, जो ज़्यादा उचकते हैं ना उनको शेयर कर दो एक बार, कि इन 15 में से 15 मेरे को सही आंसर देकर बता दे तू आज। इस तरह से बोल दो उससे, उसको शेयर कर दो कि तेरे को बहुत ज़्यादा याद है ना, तो 15 में से ला के बता मुझे 15। उसके सामने तुम भी बैठना, नहीं तो चीटिंग नहीं कर ले, ठीक है। चलिए, कपिल धारक के नामकरणों के पीछे का ही रूपक है, तो इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा गाय का। क्या आएगा? गाय का आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए 14वां देखिए, महाभारत में किसकी चर्चा की गई है? तो महाभारत में किसकी चर्चा की गई, जल्दी से सभी दोस्त कमेंट करेंगे और अपना प्रश्न नोट करेंगे, लास्ट में बताएंगे सेकंड लास्ट के बाद कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो महाभारत में किसकी चर्चा की गई है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नर्मदा के स्त्रोत की। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल दोस्तों, आज तो आप गए, आप सोचेंगे ये पता नहीं कहाँ से लाए हैं सर। बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रश्न डाले गए हैं दोस्तों, जो वार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए अति अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। अमरकंटक की स्थली है, बताइए अमरकंटक की स्थली है कैसी, बोलिए कैसी है सभी दोस्त, जितने भी दोस्त देख रहे हैं वे कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा, सभी कमेंट कर दो फटाफट इसका आंसर क्या होगा सभी दोस्त। इसका अमरकंटक की स्थली है, बताओ चार में से ऑप्शन क्या होगा आपका। हाँ दोस्तों, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है मेरे दोस्तों तपस्या। चलिए, ये हो चुके हैं आपके 15 प्रश्न, 15 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अब बारी आ गई आपके स्कोर की, सभी दोस्त जल्दी से अब कमेंट कर दें, जल्दी से सभी दोस्त कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपके 15 में से कितने सही निकले हैं, 15 में से कितने आंसर आपके सही निकले हैं बता दो दोस्तों, ठीक है। 15 में से आपके कितने सही हैं जल्दी से सभी कमेंट करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे। और जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाए हैं और जो बाद में वीडियो को देख रहे हैं वे भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आपके कितने आए हैं, कितने 2, 3, 4, 5 15 में से कितने आए हैं सभी बताएंगे मुझे कमेंट कर। यदि आज का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और जा पसंद आया हो ना तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो, अगला वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और घंटी के बटन को दबाना मत भूल जाना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें दम थी दोस्तों, अगला वीडियो भी ऐसा ही मिलेगा धमाके वाला। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।